Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and देखिए हमने previous video में mathematical physics के latest paper that is June 2021 के questions किए थे, right? तो अभी हम same subject mathematical physics के June 2020 के questions करेंगे, okay? इससे पहले जाकर channel को subscribe कर दीजिए ताकि जो भी video आए आपको सबसे पहले notification मिल जाए, okay? तो लेट स्टार्ट जून 2020 मैथमेटिकल फिजिक्स. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, राइट? तो देखो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या फंडा होता है, दैट इज ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट? और आइगन वैल्यूज, अब देखो ये क्या है, हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज भी इसके क्या होंगे, λ1 λ2 λ3, टोटल 3 होंगे. और देखो ऑप्शंस में भी हमें 3 गिवन है, राइट? और डिटरमिनेंट की बात करें अगर हम मैट्रिक्स की, तो वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ओके? तो अब देखो अगर हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, हमें गिवन है ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर ए सी, राइट? देखो डिटरमिनेंट निकालेंगे अगर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहां से मल्टीप्लाई किया एंड दिस माइनस, तो ये भी आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया एंड देन माइनस ए बी, ठीक है? अब इसके अक्रॉस करोगे तो ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर, तो ये भी देखो कैंसिल हो गया, राइट? सेम ए सी की टर्म्स में लोगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी एंड माइनस ए बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारे पास, 0, ओके? अब देखो डिटरमिनेंट 0 है, वैसे हमें डिटरमिनेंट निकालने की भी जरूरत नहीं थी, बट क्या होता है कि सबसे पहले हमें यही चीज स्ट्राइक करती है, राइट? बट हमें यही चीज क्या करनी है, सुधारनी है, क्योंकि यही आपकी टाइम कंज्यूमिंग है, यही आपका वहां पर टाइम लेते हैं, राइट? अब देखो आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 0 0 0 0, हर किसी में 0 है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट तो आपका डेफिनेटली 0 है, ओके? तभी प्रोडक्ट 0 है, मतलब कि कोई भी एक आइगन वैल्यू 0 है तो वो 0 बन गया प्रोडक्ट, राइट? यही हुआ ना, देखो प्रोडक्ट λ1 λ2 λ3 और सम λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ओके? तो अब देखो, ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेस से तो आपको पता लग गया है आइगन वैल्यूज का सम जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, बट देखो अब एक 0 है, राइट? और देखो समीशन कर रहे हो अगर आप इन आइगन वैल्यूज का तो सब में यही आएगा, ठीक है? तो यहां तक तो आपको नहीं पता लग रहा, लेकिन अब ये देखो इस तरीके की मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी रो या कॉलम को हम उसमें डिराइव कर सकते हैं, जैसे अब ये C1 है कॉलम, ये C2 है, ये C3 है ना? अब अगर C2 कॉलम को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज बी बाई ए C1, देखो कैसे ए स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा ए बी, ठीक है? और ये बी स्क्वायर है, ये ए बी है, ए बी से बी स्क्वायर बाय ए से ए कैंसिल, तो यही आ जाएगा, ठीक है? और सिमिलरली C3 क्या है हमारे पास, सी बाय ए सी, तो देखो दोनों कॉलम जो है वो हमने C1 की टर्म्स में कर लिए, ठीक है? एक दूसरे की टर्म्स में अगर हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होती है, आइगन वैल्यूज कैसी सिचुएशन में आती है, दैट इज 0 0 एंड देन ट्रेस. अब देखो ऐसा ही कुछ हमने आइगन वैल्यूज का किया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले एग्जाम में जो जून 2021 का था, सेम ऐसा ही कुछ हमने किया था, राइट? तो अब उसमें क्या था, उसमें ये था कि अगर सबकी क्या है आपके पास 1 एंट्रीज है तब भी आपके पास यही होता है 0 0 एंड ट्रेस, राइट? तो ये भी आपके पास यही एक तरीका है, ओके? तो हमारे पास अब देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज ए ऑप्शन
करेक्ट वन. ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बास्केट कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स इन द प्रोपोर्शन. ठीक है, इसका मतलब रेड बॉल्स किस प्रोपोर्शन में है, पी, और ब्लैक बॉल्स हमारे पास है दैट इज वन माइनस स्मॉल पी ले. ठीक है, अब देखो थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. राइट, मतलब कि कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं की गई है, जो निकाल ली वो निकाल ली. ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग टू रेड एंड, ये जो मेन तरीका होता है एंड है या और है, ठीक है, वन ब्लैक इज मैक्सिमम. और का मतलब है या तो ये या ये, बट तीन बॉल है तो टोटल क्या है आपके पास, एंड. ठीक है, तो इसका मतलब टू रेड एंड वन ब्लैक. ठीक है, तो अब देखो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, दैट इज पी प्लस वन माइनस पी, तो कितनी है टोटल प्रोपोर्शन, वन. ठीक है, तो इसका मतलब टू रेड, मतलब कि एक तो पी इन टू पी, क्योंकि ये क्या है वन रेड एंड वन रेड एंड वन ब्लैक, ये सिचुएशन है. ठीक है, तो पी इन टू वन माइनस, ये क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी टू रेड एंड वन ब्लैक. ठीक है, तो ये कितना आ गया पी स्क्वेयर वन माइनस पी. अब देखो बच्चों, ये तो है आपके पास प्रोबेबिलिटी. अब बोला है कि ब्लैक इज मैक्सिमम. अब मैक्सिमम की सिचुएशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं, वहां से जो पी की वैल्यू आएगी दैट इज एट दिस वैल्यू एट पी दैट इज पी मैक्सिमम. ठीक है, तो देखो कैसे, अब ये हम डी पी बाय किसकी रिस्पेक्ट में, स्मॉल पी की रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा. अब देखो पहले तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, टू पी वन माइनस पी एंड देन प्लस पी स्क्वेयर और इसका माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा टू पी माइनस स्क्वेयर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा टू पी माइनस थ्री पी स्क्वेयर. अब इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, पी कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा टू माइनस थ्री पी इज इक्वल टू जीरो. तो अब सिचुएशन क्या है, या तो पी जीरो होगा या फिर पी कितना होगा टू बाय थ्री. ठीक है, अब देखो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मैक्सिमम सिचुएशन पे देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर टू बाय थ्री वैल्यू रखोगे इसकी, तो देखो ये क्या होगा टू बाय थ्री होल स्क्वायर और वन माइनस टू बाय थ्री, है ना, क्योंकि ये माइनस की सिचुएशन है पी. अब या तो ये जीरो हो, लेकिन जीरो वाली सिचुएशन तो यहाँ पर नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो भी सकती है कि सिचुएशन हो, बट वो कंडीशन ही नहीं अप्लाई होगी वहां पर, क्योंकि प्रोपोर्शन हो गया, है ना. ठीक है, तो अब अगर टू बाई थ्री अप्लाई करोगे देखो तो कितना होगा, एग्जैक्ट कितना आ जाएगा वन बाई थ्री और ये स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू टाइम डिपेंडेंट नॉन जीरो वेक्टर्स यू टी एंड वी टी विच आर नॉन इनिशियली पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि इनिशियली पैरेलल नहीं है. ठीक है, सेटिस्फाइज क्या सेटिस्फाई करती है ये वाली इक्वेशन एट ऑल टाइम टी इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय यू एंड वी. इसका मतलब जो वी है, लेट से इसको हम वी मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं यू. अब ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब किसी एंगल पे है, लेट इट बी एंगल थीटा. ठीक है, और ये हमारे पास पैरेललोग्राम की सिचुएशन हो गई, है ना. अब देखो बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय यू टी एंड वी टी बी ए टी. अब जो एरिया है वो क्या है ए टी. ठीक है, अब देखो इससे भी देख सकते हो कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो एरिया ही स्वाइप कितना किया, स्वाइप कितना किया उसने, है ना, तो वो कैसे होगा, और वेक्टर फॉर्म उसकी कहाँ आएगी, आउटसाइड, है ना. और यही हमें बोला भी है एंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एन, मतलब एरिया मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये उसकी वेक्टर दी हुई है, तो इसका मतलब एरिया स्वाइप वाली सिचुएशन है, तो वो होगा ए टी और डायरेक्शन है एन टी. तो अब देखो देन
80 इंक्रीजेस, हमें ये कुछ ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या गिवन है, u क्रॉस dv by dt माइनस v क्रॉस du by dt इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, माइनस सिचुएशन, a क्रॉस b अगर हम इसको लेट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, है ना, ये सिचुएशन होती है। तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, u क्रॉस d बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी क्रॉस b, ठीक है। तो अब देखो क्या ये हमारे पास सिचुएशन बन रहा है, दैट इज d बाई डी टी ऑफ u क्रॉस b, है ना। अगर हम इसका u क्रॉस v d बाई डी टी करेंगे तो फर्स्ट के साथ होगा देन सेकेंड एज इट इज, और सेकेंड के साथ होगा फर्स्ट एज इट इज, तो वही प्रोडक्ट रूल अंदर लगेगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, जीरो। अब ये u क्रॉस v क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, वही मैं बता रही थी कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो एरिया वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ ए टी एन टी, ये क्या है आपका, जीरो के इक्वल। इसका मतलब कि जो भी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या आ जाएगा इसके लिए, जीरो। मतलब t की डायरेक्शन में तो है ये, लेकिन ए टी और एन टी क्या है, हम जो भी t के फॉर्म में ले रहे हैं ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है मतलब कॉन्स्टेंट्स है, है ना। तो आपके पास ये डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज डिफाइंड बाय इंटीग्रल एफ ऑफ जेड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस जेड, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। और ये आपके पास, दिस इज अ सर्कल कंटूर ऑफ रेडियस थ्री, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं, ये कुछ हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस क्या है, थ्री, ठीक है। अब सेंटर्ड एट ओरिजिन पे है, ठीक है। रनिंग काउंटर क्लॉकवाइज इन डब्ल्यू प्लेन, ये प्लेन क्या है हमारे पास, डब्ल्यू, और ये काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है, देखो सबसे पहले हमें पता लग जाएगा इंटीग्रल क्या होता है, टू पाई आयोटा रेजिड्यू, है ना। अब रेजिड्यू वाली फॉर्म है, ठीक है, जेड भी दिया हुआ है आपको टू माइनस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, पहले जो हमें फंक्शन गिवन है यहां से हम क्या करेंगे, पोल्स निकाल लेंगे, यही करते हैं, पोल्स निकाल कर उसको रेजिड्यू फंक्शन में पुट करते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं एंड देन इंटीग्रल हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो अब देखो f ऑफ z किया हमने, डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, यही तरीका है। तो ये ओमेगा क्या आ जाएगा आपके पास, z के इक्वल, और z कितना गिवन है हमें, टू माइनस आयोटा। तो देखो पोल है तो हम कैसे लगाते हैं, लिमिट लगाएंगे, ओमेगा माइनस z मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर ये टू माइनस टू एंड देन ओमेगा माइनस z, और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ओमेगा, और ये लिमिट क्या होती है, ओमेगा से जेड, ये वैल्यूज रखो जेड स्क्वायर माइनस टू, जेड की वैल्यू रखते हैं टू माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस टू, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस फोर आयोटा, है ना, ये आ गया आपके पास। अब वैल्यू निकालेंगे तो टू पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे वन माइनस फोर आयोटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो एक तो टू पाई आयोटा एज इट इज माइनस एट पाई आयोटा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, एट पाई प्लस टू पाई आयोटा, ये देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये गिवन है विद द बाउंड्री कंडीशन वाई जीरो इक्वल टू जीरो एंड वाई डैश, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाई का कितना है, माइनस वन,
ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब देखो ये कुछ ना अलग इक्वेशन है। नॉर्मली क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब देखो वैसे है तो ये हमारी कौन सी है, जिसमें आपके पास जीरो के इक्वल नहीं है ना, नॉन होमोजेनियस है। ठीक है, तो अब ठीक है कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे इसमें, जो ये है कुछ लेट करना होगा। अगर ये हमारे पास माइनस गिवन है, हम क्या करते हैं कुछ लेट करते हैं, ई वाई है जो। अगर अब क्या होगा, एग्जाम टाइम में हम यही करेंगे कि ई वाई गिवन है, इसी को कुछ लेट करके डी वाई की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करके देखते हैं। ठीक है, फिर बताऊंगी देखो कि क्या क्या फैक्टर है, किस वजह से आप ऐसा नहीं लोगे। हमने ये क्या किया, टी के अकॉर्डिंग लेट कर दिया। ठीक है, वाई लॉग ई इज इक्वल्स टू लॉग टी, तो वाई कितना आ गया आपके पास, लॉग टी। अब अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1/t और डी टी बाय डी एक्स, है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करोगे जो टर्म्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/t² और डी टी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब एक बार और करोगे तो देखो सबसे पहले अगर हम 1/t का करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/t². अब एक बार डी टी बाई डी एक्स तो इसकी वजह से आएगा और एक बार ये है, तो ये कितना हो गया, होल स्क्वायर। एंड देन माइनस प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, माइनस नहीं प्लस 1/t ये एज इट इज, और इसका कितना हो जाएगा, d²t/dx². ठीक है, तो अब देखो अगर ये हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1/t² डी टी बाई डी एक्स होल स्क्वायर और माइनस, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये माइनस है एक गिवन और ये माइनस गिवन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, d²dx² तो अब देखो ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है और वही हमारे पास एज इट इज वही टर्म फॉर्म में आ जाएगी जैसे ये है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इसको e^-y को t लेट करते हैं, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज log माइनस y आ जाएगा आपके पास log t। ठीक है, तो y कितना हो गया, माइनस log t, तो dy वाई बाई डी एक्स करो कितना हो जाएगा, ये -1/t डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, वही 1/t² डी टी बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब अगेन डिफ्रेंसिएशन करोगे तो अब देखो माइनस, ये साइन तो माइनस है और इसका भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, +1/t² डी टी बाई डी एक्स एंड देन माइनस फिर 1/t एज इट इज और d²t/dx². ठीक है, अब देखो ये पुट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस में है बट वो कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, -1/t और ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, d²t/dx² इज इक्वल्स टू, अब ये ई माइनस वाई टी लिया था मतलब 1/t, तो ये तो देखो 1/t से 1/t कैंसिल, तो ये कितना बन गया, d²t/dx² ठीक है इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखो इसको अगर अगेन सॉल्व करते हैं तो dt/dx कितना हो जाएगा, 1 dx, तो इसका मतलब dt/dx कितना आ गया, x+c1 है ना, और t कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x²/2 + c1x + c2 का हमने अगेन इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, ये क्या है, t, ठीक है, t मतलब क्या है, e^-y इज इक्वल्स टू x²/2 + c1x + c2, तो वैल्यूज रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस log और वही x²/2 + c1x + c2। अब देखो ये आ गई जनरल फॉर्म। अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, या तो बाउंड्री इक्वेशंस रख लो कोई बात नहीं, y ऑफ 0 कितना है हमारे पास, 0, ठीक है, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू माइनस log और क्या है ये c2, मतलब कि ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 सिचुएशन आ गई। ठीक है, और डैश जो है, अब हमारे पास डैश है तो इसका मतलब क्या है, y माइनस 1/
एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एज इट इज, और देन इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा x एज इट इज प्लस सी वन, ठीक है। तो इसमें भी जीरो वैल्यूज रखोगे तो सी वन तो ये आ गया, बाकी सी वन बाई सी टू की फॉर्म में आ जाएगा वो जीरो, तो इसका मतलब ये सी वन भी जीरो आ गया, ठीक है। तो वही वन वाली सिचुएशन, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ओके, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेफिनेटली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड एफ एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन ना 5 मार्क्स में था, राइट, जो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्क्स में आते हैं, और सबसे इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला पुटअप होते हैं, ठीक है, बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जस्ट ये वाले बेसिक्स जो है ना ये फ्री मार्क्स है एक तरह से, तो आपको ये करना है, आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब देखो ट्रेपिजोइडल रूल है, हम सबसे पहले ट्रेपिजोइडल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, इंटीग्रल आपके पास एच बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन लास्ट वाली, एंड देन टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस अप टू सो वन, ये होता है हमारे पास ट्रेपिजोइडल रूल, ठीक है, सबसे इजी वाला ये है। इसमें कोई फॉर्मूला फर्स्ट आपका यही है, बाकी उसके बाद सिम्पसन्स होते हैं, उसमें भी कोई वो नहीं है, फॉर्मूला ही है जस्ट, ठीक है। अब देखो एच क्या होता है, आपके पास लिमिट्स होती है, आपके पास ये वाली लिमिट होती है ए, ये वाली होती है बी, तो ये होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है आपके पास, कितने इंटरवल्स के बीच का सेक्शंस है, ठीक है। तो अब देखो ये 1, 2 एंड 3, ये 3 हमारा इंटरवल्स है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एच ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ गया 0.5, ओके। अब देखो क्या बोला है, ट्रेपिजोइडल रूल आपको किया है 5/16 और ये ए फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब 5/16 इज इक्वल्स टू एच कितना आ गया आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाई 2, और ये वाई नॉट, ये आपको एफ ऑफ एक्स, ये वाई गिवेन है, ठीक है, 1 माइनस 5/4 एंड देन प्लस 2 इंटू ए प्लस 0, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, 5/16 इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा एलसीएम लेने पे, -1/4 प्लस 2a, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये कितना बन गया, -1/16 प्लस a बाय 2, तो दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो a बाय 2 कितना आ गया आपके पास 6/16, ये कैंसिल करोगे तो देखो ये कितना आ गया 3/4। तो अब देखो ऑप्शंस में ये ऑलरेडी गिवन है, ए कितना है आपके पास 3/4, देखो जस्ट कुछ नहीं है, 3-4 स्टेप्स में आपका ये आंसर होना था, राइट, और ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है, जस्ट इजी स्टेप्स है, आपको वो अच्छे से कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और देखो तरीके मैं सब बता रही हूँ आपको धीरे धीरे, अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन है, राइट, देखो कुछ नहीं था, जस्ट बेसिक हमने क्या किया, ये वेक्टर्स फॉर्म में हमने किया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, ये भी हर टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, राइट, पोल्स निकालने होते हैं, ये 5 तरीके के होते हैं टाइप्स के, हर टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। और देखो जैसे ये क्वेश्चन था, जस्ट आपका डिफरेंशियल है, इसमें थोड़ा सा लगेगा, बट देखो तरीका भी है, अगर यहां से नहीं आ रहा है तो आपको पता लग गया, अच्छा ये कैंसिल नहीं हो रहा, बट आपने देखा कि सेम टर्म है तो इसका मतलब आपको कैंसिल वो करना चाहिए, तभी आपका अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा माइनस वाई पुट करके देख लिया तो वहां से आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये वाला अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो देखो ये वाला तो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, है ना। तो अच्छे से करो, ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे पहले वाले पेपर मिलेगा, ओके। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।